नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, सवाल करते हैं गुरुजी के बारे में कि आज कैसी आस्था है उनकी, क्या कहना है आज लोगों को उनके बारे में। नमस्कार बेटा, क्या नाम आपका? हिमानी इंसा। हिमानी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? सेवन्थ। सेवन्थ। डेरा सच्चा सौदा में जाते हो? हाँ जी, मैं बचपन से जाती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। कैसा लगता है जाकर? बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। गुरुजी को भी जानते हो? हाँ जी। गुरुजी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। मिले हो कभी आप उनसे? तो नेचर कैसा लगता है आपको गुरुजी का? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जो इतना कुछ दिखाया गया था, अब अभी छोटे हो लेकिन आपने भी देखा होगा, आसपास लोग बात करते होंगे गुरुजी के बारे में, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? भी ये सब फेक है, ये मीडिया पैसों के लिए कर रही है, तो ये लोगों का तो कहना ही है, लोग को तो कहना भी, उनको तो पैसे के लिए कहना ही होता है, तो ये सब फेक है। आपको क्या लगता है गुरुजी फिर किस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं, किस तरह से बच्चों के लिए काम करते हैं, वो क्या क्या शिक्षा देते हैं गुरुजी बच्चों को? शिक्षा बहुत देते हैं गुरुजी, उन्होंने बच्चों के लिए अब स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सभी के लिए कॉलेज वगैरह स्कूल बनवाए हैं। और क्या आपको लगता है अभी आज भी गुरुजी की ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है समाज को गुरुजी की। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे, वो जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को भी हमारे बीच भी मतलब ला दें। थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं कि ये भी गुरु राम रहीम जी से मिले हैं, लेकिन ऐसा इनको भी कभी महसूस नहीं हुआ। इनका भी मानना है कि इनके गुरुजी सच्चे हैं और इनकी आस्था भी आज बरकरार है, और ये लोग भी मांग कर रहे हैं समाज में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा की वापस आने की। आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।